इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू बीबी न्यूज। रिलखा रोड पर बुधवार दोपहर बुजुर्ग महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने लिफ्ट के बहाने करीब 3 लाख रुपए के गहने लूट लिए। बदमाशों ने परिचित बताते हुए अपनी बाइक पर महिला को बिठा लिया और घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। देर शाम तक कोतवाली में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी और रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र के खेरली भाव गांव निवासी राजवती ने बताया कि बुधवार दोपहर वो कस्बे में स्थित एक बैंक के लॉकर में गहने रखने के लिए गई थी और किसी कारण से गहने बैंक में नहीं रख पाई और अकेली ही बैंक से पैदल घर लौट रही थी और उसी दौरान पीछे से एक बाइक पर सवार दो युवकों ने वहां पर रुककर राम राम करके पैर छुए और अपने गांव के ही बताते हुए बाइक पर बैठा लिया। बदमाश दनकौर के रिलखा रोड पर गहने से भरा बैग छीनकर महिला को बाइक से गिराकर भाग गए। बाद में पीड़िता लोगों को मदद से दनकौर कोतवाली पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बैंक के आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो पीड़ित महिला को दो युवक बिना नंबर की बाइक पर बैठाकर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं और पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से अब बदमाशों की पहचान करके जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। महिला ने बताया है कि आए दिन हो रही चोरी की वारदात को देखते हुए वो घर से सोने और चांदी के करीब 3 लाख रुपए के गहने लॉकर में रखने के लिए दनकौर आई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की अब जल्द ही पहचान करके उनको गिरफ्तार कर लेगी। फुटेज में दिख रहे बदमाशों के पास जो बाइक है उसका नंबर भी नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।